500 वर्षों से ज्यादा की प्रतीक्षा करने के बाद भगवान श्री राम जन्मभूमि पर उनका मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया। यह संपूर्ण सनातन समाज के लिए गौरव और हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक घड़ी पर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। इसको लेकर आज बुलंदशहर में भी उल्लास का माहौल है। हर कोई अपने अपने अंदाज में जश्न मना रहा है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होने वाले राम मंदिर शिलान्यास को लेकर बुलंदशहर में काफी उत्साह देखने को मिला। बुधवार को जनपद के अलग अलग नगर और गांवों में स्थित मंदिरों में राम भक्त सुंदरकांड का पाठ करते नजर आए। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों में सामाजिक दूरी का भी खास ध्यान रखा गया। सिकंदराबाद नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भगवान श्री राम के नाम का जाप किया गया, तो वहीं जगह जगह मिठाई भी वितरित की गई। सिकंदराबाद विधायक विमला सोलंकी ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू वितरित कार्यक्रम रखा गया। आज आपकी ओर से यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया सिकंदराबाद में, क्या कार्यक्रम? आज 592 साल का जो एक मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई थी, आज दोबारा से भव्य भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आज जो करोड़ों देशवासियों की जो एक संकल्प था, जो उनकी आस्था थी भगवान राम में, जो पूर्ण रूप से जो उनकी आस्था है वो आज पूरी हुई है, और भगवान का भव्य मंदिर जो वो लोग चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, आज उसका शुभारंभ हुआ है। एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जो जिसकी जिसको हम लोग कब से सोच करके चल रहे हैं, और आज उस संघर्ष को परिणति मिली है, और इसलिए हम लोग सब लोगों ने यहाँ पर दूरी बना करके मास्क लगा करके हम लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, और जाने कब से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो आज ये उनका जो आशा है वो पूर्ण हुई है, उनकी आस्था को परिणति मिली है, इसलिए सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा कि आज के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। जिस सहजता से, जिस शांति से, बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ नहीं, दो गज की दूरी का पालन करते हुए ये समस्त प्रक्रिया पूरी हुई, उसी तौर पर हम लोग भी जनपद में सुनिश्चित करना चाहते हैं, और आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जिस धैर्य और सहिष्णुता का परिचय देते हुए ऐसे महानुभाव जो 3 दशक से भी ज़्यादा से श्री राम मंदिर से जुड़े रहे हैं, वहाँ भी भीड़ नहीं लगी और 2 गज की दूरी का पालन किया गया, क्योंकि कोविड अभी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी धैर्य के साथ जनपद के लोग भी खुशियाँ मनाएँ, और कोविड के दृष्टिगत यह बेहतर होगा कि घर में ही दीपक जलाएं, घर में ही पूजा करें, ताकि संक्रमण को बढ़ावा न मिले। दनकोर तिराहे पर पहुंचकर विधायक ने एक दूजे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान विधायक के साथ दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।